हाँ माफ करना, मोबाइल ही गिर गया था। व्यवस्थाएं ऐसी है, चलता है। तो अपन कहाँ थे? जाक दावी। जाक दावी जब 1792 में लोकसभा के सदस्य बन गए थे, तो वो एक दृष्टि से कला के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व बन गए थे। कला में न केवल अपने रुतबे के कारण बल्कि कला विशेषताओं के कारण भी वो समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे। जाक दावी के नवशास्त्रीयवाद के स्थापना से पूर्व वहाँ के जो चित्रकार थे वो रोकोको शैली में और काम किया करते थे, लेकिन जब जाक दावी की राजनीतिक वर्चस्व भी बढ़ गया तो वहाँ के जो स्वतंत्र या समूह छोटे समूहों में जो चित्र बनाया करते थे वो चित्रकार भी अब नवशास्त्रीयवाद शैली के अंदर चित्रण करने लगे, क्योंकि जाक दावी एक बहुत बड़ा नाम था, तो लोग उससे प्रभावित भी थे और उनकी कलात्मक क्षमता भी थी। उनका जो नवशास्त्रीयवाद के प्रति जो उनका रुझान था, और समाज के अंदर तो पहले से ही रोमन और ग्रीक के प्रति आकर्षण था ही, तो नवशास्त्रीयवाद की तरफ अधिकतर चित्रकार उसकी तरफ आकर्षित हुए और वे नवशास्त्रीयवाद परंपरा के अंदर चित्रण करने लग गए थे। 1804 में जब नेपोलियन राजा बने तो जाक दावी को राज दरबार का प्रमुख चित्रकार नियुक्त कर दिया। वो पहले चूंकि लोकसभा के तो मैं तो वैसे भी चुने गए थे, लेकिन जब अब राज दरबार में ही राजाश्रय में ही जो राज का प्रमुख चित्रकार नियुक्त कर दिया, तो फिर तो जाक दावी का रुतबा तो समाज में और भी बढ़ा। कोई बहुत प्रतिष्ठित कलाकार की हैसियत से समाज के अंदर उनकी गणना होती थी। और न केवल चित्रकला अपितु वास्तुकला है, इंटीरियर डेकोरेटर जिसको कहते हैं, अंतर सजा है और पोशाक है, वे सारी दाविद के विचारों से प्रभावित होने लगी। उन पर रोमन कल्पनाओं और रोमन पुरातन पृष्ठभूमि दिखाई देने लगी। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है, एक चित्र है मादाम रेकामिये। मादाम रेकामिये एक पोर्ट्रेट है, व्यक्ति चित्रण है, और उस चित्रण की जो पृष्ठभूमि है बैकग्राउंड में है, उसने उन्होंने जो इफेक्ट दिया है वो रोमन रोमन कालीन तत्कालीन परिदृश्य को उन्होंने वहाँ पर दिखाया है। और राजनीतिक घटनाक्रम इन दिनों काफ़ी रहे, और जब नेपोलियन लास्ट में बुरी तरह से हार गया तो जाक दाविद भी फ्रांस छोड़कर बेल्जियम चले गए थे, और जहाँ वहाँ पर भी उन्होंने काम किया और 1825 में उनकी मृत्यु हो गई। तो यह माना जा सकता है कि नवशास्त्रीयवाद की स्थापना जाक दाविद ने की, और इनका जो पहला चित्र था हिरोशिया का, पहला रोमन पहला नवशास्त्रीयवादी जो चित्र था हिरोशिया का प्रण, वह नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। इनके बनाए चित्रों को अगर अपन देखें तो इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे चित्र आते हैं जो उन्होंने रोमन और ग्रीक पृष्ठभूमि में, पृष्ठभूमि का मतलब है उस परिवेश में उन्होंने चित्रित किए, उन विषयों को लेकर चित्रित किए, और उन कलात्मक जो ग्रीक की शास्त्रीय कला थी उस कला का कुशलता पूर्वक उस पर निर्वहन किया। इन चित्रों में जैसे सैक्रेटिक की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार और ब्रूटस के पुत्रों का शव दहन, ये कुछ ऐसे चित्र थे जो पूर्णतया रोमन और ग्रीक पृष्ठभूमि के विषयों को लेकर, उनके परिवेश को लेकर, उनकी कला परंपराओं को लेकर चित्रित किए गए। और दूसरे वर्ग में वे चित्र आते हैं जो समकालीन विषय थे, उस समय के अनुसार विषय थे, और उनमें चित्रण के अंदर वास्तविकता
वास्तविकता यानी कि चित्रण का जो निरूपण किया जाता था वो आदर्श ग्रीक जो एक पैटर्न था उससे नहीं हटके और जैसा दिखता है, यथार्थवाद तो नहीं कह सकते लेकिन यथार्थ परख यानी जैसा दिख रहा है वैसी वास्तविकता का चित्रण उन चित्रों में पात्र निरूपण में और पृष्ठभूमि में और वस्तु चित्रण में किया गया। तो इस प्रकार के चित्रों में इनके जैसे मारा की विजय है और गैंत की महिलाएं हैं, ये कुछ और भी चित्र हैं जो इनके दूसरे वर्ग में जैसे आते हैं। और दाविद एक ऐसा चित्रकार था जिसने उस ग्रीक के आदर्श स्वरूपों को बड़ी कुशलता से अपने चित्रों में उकेरा था। उनके चित्र का अगर पात्र निरूपण देखो तो उनका रूप सौष्ठव और शारीरिक सौष्ठव भी बहुत सुंदर और बकायदा एक गठनशीलता और एक सेट पैटर्न परिमाप के अंदर उन्होंने उस चित्र को चित्रित किया था। और दाविद के बाद उनके जो शिष्य थे उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे इनका जो प्रमुख जो शिष्य था अंतोइन ग्रे, जो जाग दाविद से बहुत प्रभावित था और जाग दाविद के चित्रों की विशेषताओं का अनुकरण करते हुए उन्होंने अपने चित्रों का आगे बढ़ाया। हालांकि पूर्व में वो रूबेंस से प्रभावित था और रूबेंस के जो चित्र थे वो भी काफ़ी मांसलता लिए हुए चित्र हुआ करते थे। और बाद में जब वो जाग दाविद के संपर्क में आए और उनके चित्रों को उन्होंने देखा और उनके पौराणिक और शास्त्रीय ग्रीक की शास्त्रीय कला के बारे में उन्होंने समझा तो वो भी शास्त्रीयवाद के चित्रकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए और अपने चित्रों को नियो क्लासिज्म नवशास्त्रीयवाद के रूप में उन्होंने चित्रित किया। और वो कहते भी थे, न केवल चित्रित किया, उन्होंने नए चित्रकारों को वो भी प्रेरणा दी और वे कहा भी करते थे कि भाई ये मेरा आदेश नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है, मतलब ये जाग दाविद का आदेश है, आप ऐसे करो, यानी आप कला में इस तरह का निरूपण करो, इन आदेशों की पालना करो, ये प्रक्रिया अपनाओ, चित्रण प्रक्रिया ये अपनाओ, पात्र निरूपण की प्रक्रिया ये अपनाओ। तो जब वो शिक्षा दिया करते थे अपने शिष्यों में तो वो ये नहीं कहते थे कि भाई मैं कहता हूँ, मेरा कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, जाग दाविद का आदेश था। यानी नवशास्त्रीयवाद के अंदर जाग दाविद के जाने के बाद भी जाग दाविद का इतना रुतबा था वो अंग्र की इस बात से जाहिर होता है। और इन्होंने कई अंग्र ने भी कई अपने नवशास्त्रीयवादी चित्रों को प्रेरणा दी और उनको नवशास्त्रीयवादी परंपरा के अनुसार चित्रों को चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। और जिनमें रेन्यो, जेरार, प्रदा, अंग्र आदि प्रमुख चित्रकार थे। ये ऐसे चित्रकार थे जो जाक दाविद और अंग्र के साथ या अंग्र के बाद नवशास्त्रीयवादी चित्र परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन नवशास्त्रीयवादी चित्र परंपरा, जैसा कि जाक दाविद खुद ही कहता था कि ये कला इस नवशास्त्रीयवाद में इतना कठोरपन और अनुशासन की प्रगाढ़ता है कि ज़्यादा समय तक कलाकार इसके अंदर बांधे नहीं जा सकते, और यह सच भी हुआ। और उसका कारण यह था कि जहाँ कुछ विशेषताएं थी उसकी नवशास्त्रीयवाद की तो कुछ उसमें कमियां भी थी। एक समय के साथ में कलाकार उन विशेषताओं से प्रभावित होकर उस चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन धीरे 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 जब उससे संतुष्टि हो जाती है, चित्रकार को भी हो जाती है, प्रेक्षक को भी हो जाती है, समाज को भी हो जाती है, तो चित्र परंपरा, चित्रकला एक नई चाह करने लग जाता है। तो जब नई परंपरा की चाह बनती है तो पुरातन परंपरा के जो कमियां हैं वो स्वतः नज़र आने लग जाती है। होती तो वो पहले भी हैं लेकिन आरंभ के काल में वो दिखती नहीं है। तो नवशास्त्रीयवाद के पतन के बारे में या नवशास्त्रीयवाद का जब क्षरण होने लगा
तो उन कमियों की तरफ समाज का भी ध्यान जाने लगा, चित्रकारों का भी ध्यान जाने लगा। वो कमियां क्या थी? वो कमियां ये थी कि जैसे जाक दाविद ने कहा कि कला का आधार तर्क होना चाहिए, यानी कला रैशनल और लॉजिकल होनी चाहिए, तो नवशास्त्रीयवाद ने जिस कला को अपना आधार बनाया, जो शास्त्रीय कला थी यूनान की, उसमें एक अनुशासन था, उसमें एक तर्क संगति थी। तर्क संगति के अनुसार ही पात्र के शरीर के चित्रण का निरूपण होता था, उसमें एक लॉजिक दिया जाता था कि ये चित्र अपने को इस ढंग से ही बनाना है। अगर खड़ा व्यक्ति बनाना है तो उसका क्या परिमाप होगा, उसकी क्या मुद्रा होगी, उसके पीछे एक रैशनल एक लॉजिक हुआ करता था। उस लॉजिक के आधार पर उस विषय चाहे कैसा ही रहा हो, लेकिन जब पात्र निरूपण में एक रूपता आने लग गई थी, जब आप किसी चीज़ को एक रूपता की तरफ बढ़ते हो तो चित्रकला में या किसी भी क्षेत्र में एक रूपता आगे जाकर जड़ता को जन्म देती है, कठोरता को जन्म देती है। अब तक जो तर्क संगति एक विशेषता थी, वो अधिकतर ज़्यादातर उसका अनुसरण रिपीटेशन होने के बाद में उसमें जड़ता का एहसास होने लग गया। तो एक रूपता चित्रों में नजर आने लग गई थी। और दूसरा जो बड़ा कारण था, वो कारण था कि उन चित्रों के अंदर जो विषय लिए जाते थे नवशास्त्रीयवाद के अंदर, जाक दाविद ने भी ज़्यादातर जिन विषयों के या उसके बाद उसके शिष्यों ने या उससे प्रभावित नवशास्त्रीयवादी चित्रकारों ने जो विषय लिए, वो ज़्यादातर ग्रीक और रोमन पौराणिक चित्रण पौराणिक प्रसंग हुआ करते थे। तो थोड़ा सा समाज को और दर्शकों को और नए चित्रकारों को लगा कि अपने को आसपास की घटनाओं के प्रति, आसपास के दृश्यों के प्रति, आसपास के घटनाक्रम के प्रति, आसपास फलीभूत होने वाली भावनाओं के प्रति भी अपना दायित्व बनता है। तो हमें उन विषयों को भी अपने चित्रों में समावेश करना चाहिए जो विषय समकालीन है, यानी उस समय उनकी मांग है या उसकी डिमांड है या उस समय घटित हो रहे हैं। तो तत्कालीन विषयों को लेकर भी एक भावना कलाकारों के और समाज के या दर्शकों के मन में उभरने लगी। तो अब तक जो शास्त्रीय स्वरूप, जो आदर्श मानव संरचना थी, वो आदर्श मानव संरचना अपने निश्चित परिमाप के कारण, एक रूपता के कारण जड़ता का रूप मानी जाने लगी। और रोमन और ग्रीक पौराणिक जो विषय थे वो अब प्रासंगिक नहीं माने जाकर तत्कालीन और समकालीन विषयों को लेकर चित्र किए जाने की एक मांग, पुरजोर मांग चित्रकारों के मन में और समाज के मन में भी उभरने लगी। और इस चीज़ को आगे के चित्रकारों ने समझा और नवशास्त्रीयवाद के क्षरण के बाद में ही रोमांसवाद का, रोमांटिसिज्म का जन्म हुआ। और रोमांटिसिज्म में उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया जिन तथ्यों को नवशास्त्रीयवाद के अंदर उसके क्षरण का, उसके समाप्त होने का कारण समझा गया। वो कमियां जो नवशास्त्रीयवाद के अंदर अंत में मानी जाने लगी और उन कमियों से विमुख होकर कलाकार नवीन सृजन के लिए, नवीन चेतना के साथ, नवीन विधान के साथ, नवीन दर्शन के साथ, नवीन तकनीक के साथ एक चित्र बनाने की ओर अग्रसर होना चाह रहे थे, उन परंपराओं को छोड़कर जो नवशास्त्रीयवाद के समय उन्होंने अपनाई थी। क्यों? अब उनकी प्रासंगिकता खत्म होने लगी थी, अब वो कलात्मक विशेषताएं एक रूपता की वजह से जड़ता के रूप में परिवर्तित होने लगी थी, तब उनको थोड़ा सा कुछ नया चाहिए था। उस नए चाहने के क्रम में रोमांसवाद का जन्म हुआ। अब रोमांसवाद के जन्म के अंदर आप देखोगे कि अब जो स्वरूप, जब रोमांसवाद पढ़ाएंगे तब इसके बारे में विस्तृत से बताएंगे, लेकिन एक हल्का सा मैं आपको यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ कि जो एक रूपता की जड़ता नवशास्त्रीयवाद में आई,
जो ग्रीक आदर्श मानव संरचना थी या स्वरूप था, और उसको बार बार रिपीट करना, विषय कोई भी हो उस एक शारीरिक संरचना को अलग अलग पोस्चर के अंदर रिपीट करना, उसमें जो तर्क संगति थी वो तर्क संगति जड़ता के रूप में दृष्टिगोचर होने लगी। तो उन्होंने तर्क संगति को ख़त्म करने के लिए रोमांसवादियों ने मानव शरीर की संरचना को थोड़ा सा लयात्मक बनाया और रिदमिक बनाया, एक पर्टिकुलर फिक्स पैरामीटर से उसको थोड़ा सा लंबा बनाया, और उसमें रिदमिक लयात्मक एहसास दिलाने के लिए जो यथार्थपरकता थी, आदर्श जो मानव संरचना थी, उसको थोड़ा सा डल किया, यानी आकृतियाँ थोड़ी लंबी हुई, परिमाप जो थे वो जो गठनशीलता थी, जो एक स्पष्ट और जो लाइनिंग इफेक्ट था जो शरीर की सघनता को या घनता को उभारता था, उसमें उन्होंने थोड़ी कमी की, लाइनें सीधी होने लगी। रंग के अंदर भी थोड़ा सा लाल रंग का मिश्रण अधिकता से होने लगा, वो गुलाबी चित्रण होने लगा, रोमांटिसिज्म का एहसास होने लगा, और विषयों के रूप में समकालीन घटनाओं को लिया गया, और घटनाओं में भी ऐसी घटना जो आपको रोमांचित कर दे। जब आप पढ़ेंगे जेरिको का, तो मेदुसा का बेड़ा एक बहुत बड़ी फेमस पेंटिंग है उनकी, रोमांसवादियों की, उसमें आपने देखा भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें जो चित्रण किया है उन्होंने, तो उसमें जो मनोदशा थी पात्रों की, उन मनोदशा को, उनकी मानसिक स्थिति को उन्होंने बड़ी बारीकी से चेहरे के ऊपर उभार कर लाए थे। जबकि नवशास्त्रीयवाद के अंदर चित्र का जो आदर्श स्वरूप होता है, पुरुष का आदर्श स्वरूप, स्त्री का आदर्श स्वरूप, उसका जो दैवीयपन होता है, जो उसका अभिजात्य वर्ण होता है, अभिजात्यता का जो उसमें चेहरे में झलक होती है, उसको ही ज़्यादा दिखाया जाता था। समाज के उन तबकों को, सामान्य तबकों को, सामान्य घटनाओं को उसमें थोड़ा सा उपेक्षित कर दिया गया था। रोमांसवाद में उस चीज़ को गहराई के साथ में उभरा गया। तो आपने जब आधुनिक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो पहला उदाहरण है कि एक वाद का क्षरण और दूसरे वाद की उत्पत्ति, ये एक आगे तक चलने वाली परंपरा है। रोमांसवाद में भी कुछ ऐसे अंत, जब रोमांसवाद में चित्रण शुरू होगा, रोमांसवाद अपने पूर्ण प्रतिष्ठा के समय में भी चलेगा, और उनकी कलात्मक विशेषताओं की जहाँ हर जगह चर्चा परिचर्चा होगी, उसको सम्मान दिया जाएगा, तो धीरे धीरे उसमें भी क्षरण आएगा। फिर ये जो कमियाँ रोमांसवाद के, ये जो अच्छाइयाँ विशेषताएँ जो रोमांसवाद के आरंभ में और श्रेष्ठ पायदान पर जब ये रहेगा उस वक्त जो होगी, वो अंत में जाके उनके लिए वो भी फिर कमियाँ बन जाएगी। फिर एक नया वाद उस रोमांसवाद का क्षरण के साथ में एक फिर नवीनवाद का जन्म होगा। तो आधुनिक पाश्चात्य आधुनिक चित्रकला के अंदर एक इज्म की उत्पत्ति होती है, उसके कुछ घटक होते हैं, उत्पत्ति के पीछे उसका एक रैशनल कोई कारण होता है, और एक कला परंपरा होती है, कला वैशिष्ट्य होता है। तो धीरे धीरे वो अपने शिखर की ओर तरफ बढ़ता है, शिखर में बढ़ने के बाद में धीरे धीरे वो क्षरण की तरफ बढ़ता है, फिर एक नवीन कला वाद का जन्म होता है। तो अभी तो पहला वाद ही है, अभी तो अपन ने नवशास्त्रीय वाद के बारे में ही बात की। तो नवशास्त्रीय वाद ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला। जाक डेविड जिसका प्रमुख चित्रकार था, उसके बाद अंग्र ने थोड़ा काम किया, कुछ बाद में अंग्र ने चित्रकार रेनियो जेरार और अंग्र ये जैसे कुछ चित्रकारों को उन्होंने प्रशिक्षित किया, लेकिन थोड़े समय बाद में धीरे धीरे इसका भी क्षरण होने लगा, और नवशास्त्रीयवाद जाक डेविड के चित्रकारों, जाक डेविड से प्रेरित चित्रकारों के चित्रण के कुछ समय बाद ही धीरे धीरे क्षरण को, क्षय को प्राप्त होने लगा, और एक नवीनवाद का जन्म होने लगा था, और वो था रोमांसवाद। तो अपन इसके बारे में अगली बार बात कर लेंगे। आज ये वीडियो दो हिस्सों में मिलेगा, क्योंकि बीच में मोबाइल छिटक के गिर गया तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो आज का जो ये प्रसंग है जाक डेविड और नियोक्लासिज्म,
ये आपको इन दो वीडियो के अंदर भेजा जाएगा। ठीक, थैंक यू।